हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, क्या आप जानते हैं गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पिछली बार की तरह 7 चरण में होंगे इस बार भी लोकसभा के चुनाव, 4 जून को आएंगे नतीजे। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। 7 चरणों में आम चुनाव करवाए जाएंगे जबकि 4 जून को रिजल्ट की घोषणा होगी। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को, दूसरे फेज की वोटिंग 26 अप्रैल को, 7 मई को तीसरा फेज, 13 मई को चौथा फेज, 20 मई को पांचवा फेज, 25 मई को छठा फेज और 1 जून को सातवें चरण की वोटिंग होगी। बता दें कि 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण में कुल 102 सीटों पर मतदान होंगे जबकि 26 अप्रैल को 89 सीटों पर, 7 मई को 94 सीटों पर, 13 मई को 96 सीटों पर, 20 मई को 49 सीटों पर और 25 मई को 57 सीटों पर, तो वहीं 1 जून को 57 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सबसे पहले कहा कि चुनाव का पर्व देश का गर्व है। उन्होंने बताया कि इस बार 96.8 करोड़ वोटर्स वोट डालने जा रहे हैं, यानी कि करीब 97 करोड़ लोग लोकसभा के चुनाव में वोट डालेंगे। आगामी लोकसभा के चुनाव में करीब 1.8 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं जो पहली बार किसी चुनाव में वोट डालने वाले हैं। इसके अलावा 20 से 29 साल की उम्र के बीच के वोटर्स की संख्या 19.47 करोड़ है। चुनाव आयोग ने बताया है कि जिन उम्मीदवारों की आपराधिक रिकॉर्ड है उन्हें 3 बार इसकी जानकारी देते हुए इश्तिहार देना होगा। पेट्रोल डीजल पर फिर बड़ा ऐलान, एक झटके में 15 रुपए सस्ती हुई कीमत। बता दें कि मोदी सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए बड़ा ऐलान किया है। दरअसल लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से बस कुछ घंटे पहले ही सरकार ने लक्षद्वीप में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 15 रुपए से ज्यादा की कटौती की है। लक्षद्वीप के एंड्रॉट और कालपेनी द्वीप में 15.3 रुपए और कवरत्ती और मिनिकॉय में 5.2 रुपए प्रति लीटर की दर से कीमतें कम हुई हैं। वहीं बता दें कि पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से ट्वीट करके बताया गया है कि इंडियन ऑयल ने लक्षद्वीप समूह के एंड्रॉट और कालपेनी में पेट्रोल डीजल के दाम पर 15.3 रुपए प्रति लीटर और कवरत्ती और मिनिकॉय में 5.2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। लक्षद्वीप में इंडियन ऑयल 4 द्वीपों कवरत्ती, मिनिकॉय, एंड्रॉट और कालपेनी को पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति कर रहा है। कवरत्ती और मिनिकॉय में खुदरा दुकानों को फ्यूल डिपो से सीधे पाइपलाइनों के माध्यम से आपूर्ति की जाती है। वहीं एंड्रॉट और कालपेनी को कवरत्ती डिपो से बैरल के माध्यम से आपूर्ति की जाती है। लक्षद्वीप के सभी द्वीपों पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब पेट्रोल के लिए 100.75 रुपए प्रति लीटर और डीजल के लिए 95.71 रुपए प्रति लीटर चुकाना होगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले लाखों कर्मचारियों को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, बढ़ गई इतनी सैलरी। लोकसभा चुनाव के चलते लगने वाली आचार संहिता से ठीक पहले केंद्र की मोदी सरकार ने लाखों LIC के कर्मचारियों को होली का गिफ्ट दिया है। केंद्र सरकार ने देश की सबसे बड़ी सरकारी जीवन बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी LIC के कर्मचारियों के वेतन में 17% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इससे 1 लाख से अधिक LIC के कर्मचारियों को फायदा होगा। 30,000 पेंशन भोगियों को भी इससे सीधा लाभ पहुंचेगा। वहीं बता दें कि LIC के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला 1 अगस्त 2022 से लागू माना जाएगा। LIC कर्मचारियों की सैलरी में हुई बढ़ोतरी से सालाना 4,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। सैलरी के बढ़ोतरी के बाद LIC के कर्मचारियों की सैलरी बढ़कर 29,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। वहीं बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की थी। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर उसे 46% से 50% कर दिया। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के टेक होम सैलरी में इजाफा तय किया है। केंद्र सरकार के बाद कई राज्य सरकारों ने भी अपने प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा कर दिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया है।
आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को 3 बार देना होगा इश्तिहार कि मैं दागी हूँ। बता दें कि देश में आम चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। इस बार के चुनाव में कई बदलाव किए गए हैं। लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि इस बार चुनाव में वैसे उम्मीदवारों को अखबारों में 3 बार इश्तिहार छपवाना होगा जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इसके अलावा उन सभी राजनीतिक दलों को भी अखबारों में इश्तिहार छपवाना होगा कि उनके कितने उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, यानी कि वे दागी हैं। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि देश भर में कुल 7 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव के लिए हमारी टीम पिछले 2 साल से इस चुनाव की तैयारी कर रही थी और अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा के चुनाव में कुल 97 करोड़ वोटर्स मतदान करेंगे। उन्होंने बताया कि देश भर में कुल 10,50,000 पोलिंग स्टेशन होंगे, जबकि 55 लाख ईवीएम का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों का सर्वे कराएगी एमसीडी। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान से ऐन वक्त पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए खुशखबरी दी है। दरअसल दिल्ली नगर निगम में 70 एमसीडी रेहड़ी पटरी वालों को दुकानें चलाने के लिए जगह तय करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में सभी रेहड़ी पटरी विक्रेताओं का सर्वे कराया जाएगा ताकि उनको दुकान लगाने के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि रेहड़ी पटरी विक्रेता पुलिस या अन्य अधिकारियों के उत्पीड़न का सामना किए बिना सम्मानपूर्वक अपनी आजीविका कमाने में सक्षम हों। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में कहा कि रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाले भी हमारे भाई बहन हैं और बेहद गरीब परिवार से आते हैं। अपने घर का खर्चा चलाने के लिए छोटे मोटे काम करने के लिए मजबूर हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को भी अच्छी व्यवस्था दें ताकि वो भी अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सके और इज्जत के साथ अपना काम धंधा कर सके। मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल भाजपा में हुई शामिल, चुनाव से पहले फैसले के ये हैं मायने। बता दें कि मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल भाजपा में शामिल हो गई हैं। नई दिल्ली में उन्होंने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ली है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा का सनातन से कनेक्शन है और पार्टी में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। बता दें कि अनुराधा पौडवाल ने ये फैसला तब लिया है जब चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में उनके इस फैसले के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि अनुराधा पौडवाल को भाजपा स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल कर सकती है। पौडवाल ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं उस पार्टी में शामिल होने जा रही हूं जिसका सनातन से गहरा नाता है। मैंने फिल्म इंडस्ट्री में गाने के बाद भक्ति गीत गाए हैं। जब मैंने देखा कि 35 साल से गंगा की आरती होती है, रामलला की स्थापना के वक्त भी 5 मिनट गाने का मौका मिला, मुझे लगता है कि मैं सही जगह पर हूं और यह मेरा सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि हमारे आदर्श एक ही हैं, इसलिए मुझे भाजपा में शामिल होकर अच्छा लग रहा है। हमास के युद्ध विराम के बीच गाजा में साइप्रस से 200 टन राहत सामग्री पहुंची। साइप्रस से 200 टन राहत सामग्री भरा जहाज गाजा पहुंच गया है। बता दें कि ये जहाज साइप्रस से रवाना हुआ था मंगलवार को। ये राहत सामग्री यूरोपीय संघ ने गाजा के आम जनों के लिए भेजी है। आपको बता दें कि समय हमास ने 6 सप्ताह के लिए नए संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा है और इस वजह से ही ये सामग्री भेजी गई है। इससे पहले अमेरिकी सेना ने भी गाजा के नजदीक समुद्र में माल उतारने के लिए अस्थायी प्लेटफॉर्म बनाया था और ऐसा बताया जा रहा है कि जल्द ही अमेरिका से राहत सामग्री लेकर रवाना हुआ जहाज भी वहां पर पहुंच जाएगा। अमेरिका की योजना गाजा में प्रतिदिन 20 लाख खाने के पैकेट की आपूर्ति करने की है। हमास शासित क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि पिछले 24 घंटे में पूरे गाजा में 123 लोग मारे गए हैं, जिनमें मध्य नुसीरात में विस्थापित लोगों को आश्रय देने वाले एक घर पर हुए हमले में 36 लोग शामिल हैं। यहां पर मुसलमान उपासकों ने रमजान के महीने में पहले शुक्रवार को भारी सुरक्षा बल व पुलिस कर्मियों के बीच मनाया। प्रवेश पर प्रतिबंध के बीच हजारों लोग इसराइल के कब्जे वाले पूर्वी जेरूसलम में श्रद्धेय अल अक्सा मस्जिद परिसर में प्रार्थना में शामिल हुए। वहीं इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि उन्होंने राफा में एक ऑपरेशन के लिए सेना की योजना को मंजूरी दी है, जहां गाजा पट्टी की अधिकांश आबादी ने विवरण व समय रेखा प्रदान किए बिना शरण मांगी है।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी पीएम मोदी पर जमकर बरसे। मोदी अडानी पर राहुल का नया नाम, बोले ये मोडानी हैं, इन्हें एक ही समझिए। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बोलते हुए कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा कि ये अडानी ही नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी ही अडानी हैं। मैं तो कहता हूं कि दोनों को एक ही कह लो, इन्हें मोडानी कह लो। उन्होंने कहा कि पहले 90% लोगों को पब्लिक सेक्टर में नौकरी मिलती थी, लेकिन अब सब कुछ अडानी जी के हवाले कर दिया गया है। अगर आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो वहाँ पर भी रेलवे से पैसा अडानी लेकर जाएगा। आप सड़क पर चलोगे तो यहाँ से भी अडानी पैसा लेकर जाएगा। अगर एक सिक्योरिटी वाला राइफल भी लेता है तो उसमें भी अडानी ही पैसा ले जा रहा है। आप बिजली का स्विच ऑन करेंगे उसमें भी अडानी का हिस्सा मिलेगा। राहुल ने कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र के सिस्टम को उखाड़ कर रख दिया है। जनता किसी और को वोट करती है और वो वोट किसी और को चला जाता है। जनता ने किसी और को विधायक चुना, लेकिन वो एमएलए किसी पार्टी का बन जाता है। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शनिवार को आखिरी दिन था और राहुल गांधी अपनी यात्रा के अंतिम चरण में महाराष्ट्र के भिवंडी जिले में पहुंचे। वहां पर संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कहा कि चुनावी बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा जबरन वसूली रैकेट है। उन्होंने कहा कि राज्यों में सरकारें गिराने का पैसा चुनावी बॉन्ड से आ रहा है। सीबीआई और ईडी जांच नहीं कर रहे हैं, वे जबरन वसूली कर रहे हैं। राजनीतिक दलों को भाजपा अमित शाह द्वारा तोड़ा जा रहा है और पूरा महाराष्ट्र जानता है कि इसके लिए पैसा चुनावी बॉन्ड से आया है। दिल्ली लीकर स्कैम केस में गिरफ्तारी के बाद जमकर भड़की बीआरएस की नेता के कविता, कहा फैब्रिकेटेड है केस, मेरी गिरफ्तारी अवैध। फैब्रिकेटेड है केस, मेरी गिरफ्तारी अवैध, ये बयान दिया है दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार की गई बीआरएस की नेता के कविता ने। दरअसल दिल्ली शराब घोटाला मामले की जांच की आज अब तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी तक पहुंच गई है। ईडी ने कविता को अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में पेश किया है और इस दौरान की कविता ने कहा कि ये केस फैब्रिकेटेड यानी मनगढ़ंत है और इसके साथ ही उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को भी अवैध करार दिया। दरअसल शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार होने के बाद ये उनका पहला बयान है। वहीं बीआरएस की कार्यकर्ता ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं। तेलंगाना में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर की कविता की गिरफ्तारी के बाद बीआरएस सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। बीआरएस पार्टी टॉप कोर्ट से की कविता की याचिका पर तुरंत सुनवाई की अपील करेगी। की कविता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी हैं। आपको बता दें कि ईडी ने पहले ये दावा किया था कि कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थी। ये 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति में एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रही थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलंगाना में एमएलसी कविता ने जांच एजेंसी की ओर से उन्हें जारी किए गए कम से कम 2 समन पर हाजिर नहीं होने के बाद ये कदम उठाया। केजरीवाल को कोर्ट से बड़ी राहत, तुरंत जमानत, नियमित पेशी से भी मिली छूट, ईडी के हाथ रह गए खाली। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। ईडी के बार बार समन भेजने पर ना पहुंचने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केजरीवाल को 15,000 के निजी मुचलके और 1,00,000 रुपए की जमानत राशि पर तुरंत बेल दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने नियमित पेशी से भी केजरीवाल को छूट दी है। अब इस मामले की सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी के 8 समन भेजने पर भी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं आए तो प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया। ईडी की तरफ से केजरीवाल के पेश ना होने के खिलाफ याचिका डाली गई और इसके बाद ईडी की याचिका पर सुनवाई करने के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को तलब किया। कोर्ट के बुलावे पर केजरीवाल भी पहुंच गए, जहां उन्हें 15,000 रुपए के निजी मुचलके और 1,00,000 रुपए की जमानत राशि पर बेल दी गई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। पैसा बांटने और हिंसा फैलाने वालों पर रहेगी चुनाव आयोग की नजर, होगी ये कार्रवाई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव में खून खराबे और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। हमें जहां से भी हिंसा की सूचना मिलेगी हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि हिंसा के खिलाफ सख्ती से निपटेंगे। पिछले 11 चुनाव में 3400 करोड़ रुपए जब्त हुए हैं। पैसा बांटने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, पैसा बांटने वालों पर सख्त नजर होगी। उन्होंने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए चुनाव के दौरान हर जिले में एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जिससे हर आपराधिक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि देश में 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, इसमें 47.1 करोड़ महिला वोटर्स हैं, जबकि 49.7 करोड़ पुरुष वोटर्स हैं। इसके साथ ही 1.82 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इस बार पहली बार अपना मत डालेंगे। चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस बार 20 से 29 उम्र के 19.74 करोड़ वोटर्स हैं। वहीं 2,00,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 100 साल से ज्यादा की उम्र के मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि इस बार 10.5 लाख पोलिंग बूथ हैं और यहां पर 55 लाख ईवीएम हैं।
मुनाफा 215 करोड़ और दान दे दिया 1368 करोड़। चुनावी बॉन्ड से जुड़े हुए कई आम खुलासे हुए। आपने वह आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली कहावत तो जरूर सुनी होगी। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा चुनावी बॉन्ड को लेकर जानकारी सार्वजनिक करने के बाद इसी तरह की एक कहावत चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने 12 अप्रैल 2019 और 24 जनवरी 2024 के बीच चुनावी बॉन्ड के जरिए 1368 करोड़ रुपए का चंदा राजनीतिक दलों को दिया है। ये राशि कंपनी के 3 वर्षों के 215 करोड़ रुपए के अशुद्ध लाभ के तुलना में 6 गुना से अधिक के बराबर है। आपको बता दें कि 5 साल की अवधि में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 50 करोड़ रुपए से अधिक का दान देने वाली कॉरपोरेट संस्थाओं की सूची में ऐसे कुछ और भी कंपनियां शामिल हैं जिन्होंने मुनाफे से अधिक दान दे दिया है। कुछ ऐसी भी कंपनी है जिसने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया है। बता दें कि IFB एग्रो इंडस्ट्रीज को 2019-20 से 2022-23 तक 175 करोड़ रुपए का ही संयुक्त शुद्ध लाभ हुआ था, लेकिन उसने 92 करोड़ रुपए का दान दे दिया। और इसी तरह हल्दिया एनर्जी ने 3 वर्षों में 1013 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया और इसने 377 करोड़ रुपए यानी कि अपनी कमाई का लगभग 37% दान में दे दिया। जम्मू कश्मीर में चुनाव की आहट। गृह मंत्रालय ने यासीन मलिक समेत कई आतंकवादी संगठनों पर लगाया बैन। बता दें कि मोदी सरकार ने यासीन मलिक के आतंकवादी संगठन JKLF पर लगे हुए प्रतिबंध को अगले 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। सरकार ने इसे गैर कानूनी एसोसिएशन घोषित किया है। जेल में बंद आतंकवाद के आरोपी यासीन मलिक के नेतृत्व वाले जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग और जम्मू कश्मीर पीपुल्स लीग यानी कि JKPL के 4 गुटों पर केंद्र शासित प्रदेश में आतंक व अलगाववाद को बढ़ावा देने के आरोप में प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यासीन मलिक धड़ा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में लिप्त रहा है। आपको बता दें कि यासीन मलिक के अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने JKPL मुख्तार अहमद वाजा, JKPL बशीर अहमद तोता, JKPL गुलाम मोहम्मद खान और JKPL अजीज शेख गुटों पर भी प्रतिबंध लगाया है। अमित शाह ने कहा कि अगर कोई देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देते हुए पाया गया तो उसे कठोर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग को भी अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबंधित समूह घोषित किया है। रोकिए मिलॉर्ड, CA के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंच गए अब सुप्रीम कोर्ट। नागरिकता संशोधन कानून यानी CA के खिलाफ AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि संशोधित कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ये आर्टिकल 14, 25 और 21 का उल्लंघन करता है, इसलिए जब तक सुनवाई होती है इस कानून को लागू करने पर रोक लगा देनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी CA को मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताते रहे हैं। उनका कहना है कि ये कानून भेदभावपूर्ण है। आपको बता दें कि CA पर रोक लगाने की मांग वाली कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। कोर्ट इन याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमत भी हो गया है और 19 मार्च की तारीख तय कर दी है। आपको बता दें कि 2019 से ही करीब 200 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जा चुकी हैं जिन पर सुनवाई पेंडिंग है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में ही संसद से पास किया गया था, हालांकि इसे अब केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया है। पोलिंग बूथ पर पानी और टॉयलेट, बुजुर्ग घर से कर सकेंगे मतदान। पहली बार मिल रही है चुनाव में ये सुविधाएं। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने ये भी बताया है कि अब की बार मतदाताओं को पोलिंग बूथ पर कई सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। कुमार ने बताया कि मतदान केंद्र पर पीने के पानी की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि जब हम वोटर्स को अपने बूथ पर बुला रहे हैं तो खुद को तैयार रखना जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि पीने का पानी साफ हो और मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग टॉयलेट हो। साइनेज होगा, दिव्यांग लोगों को व्हीलचेयर मिलेगी, हेल्प डेस्क बनाई जाएगी और शेड और लाइट की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा चुनाव आयुक्त ने बताया कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए देश के कोने कोने में मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। राजीव कुमार ने कहा कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी मतदाता हैं उनके घर जाकर मतदान करवाया जाएगा और इस बार देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता हैं और उन्हें जिन्हें 40% से अधिक विकलांगता है उनके पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे अगर वे मतदान का ये विकल्प चुनते हैं तो। अब विदेश में भी बड़ा बायजू का संकट, $533 मिलियन रकम हुई फ्रीज।
मुश्किलों में घिरे हुए एडुटेक बायजू को अमेरिका की अदालत से एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल अदालत ने बायजू की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट को $533 मिलियन फ्रीज करने के लिए कहा है। हालांकि अदालत ने $1.2 अरब का टर्म लोन देने वाले कर्जदाताओं की वह याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें $533 मिलियन जमा करने का आदेश देने का अनुरोध किया गया था। ऋणदाताओं का दावा है कि बायजू की अमेरिकी इकाई ने कर्ज की राशि को कथित तौर पर किसी अज्ञात स्थान पर रखा है। कर्जदाताओं के समूह ने कहा कि अदालत ने पाया कि बायजू रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ प्रतिवादियों रिजू रविंद्रन इंस्पिलर्न LLC और कैम सॉफ्ट कैपिटल फंड के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मुश्किल में फंसी बेटी की सीट तो शरद पवार ने खुद संभाला मोर्चा, दुश्मनों से भी मिला रहे हैं हाथ। बारामती से सांसद सुप्रिया सुले को अपनी सीट बरकरार रखने के लिए संभवतः अब तक की सबसे कठिन चुनावी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। शरद पवार की बेटी और बारामती से 3 बार की सांसद सुप्रिया सुले को आगामी चुनाव में NCP के अध्यक्ष और अपने चचेरे भाई अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। शरद पवार अपनी बेटी को मजबूत कंधा दे रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बारामती में शरद पवार के बराबर प्रभुत्व रखते हैं। एक समय था जब शरद पवार बारामती में सिर्फ 1 या 2 रैलियां किया करते थे क्योंकि उन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा हुआ करता था। लेकिन अब 83 साल की उम्र में पवार को चुनाव की घोषणा से पहले ही पुणे के इस निर्वाचन क्षेत्र में जगह जगह पर चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है। तालिबान के डर से भारत में बस गए अफगानी सैनिक, अब बन गए वेटर और नाई। बता दें कि अफगानिस्तान की धरती पर तालिबान कब्जा होने के बाद बड़ी मार्मिक तस्वीरें सामने आई थी। लोग विमानों पर लटक कर देश छोड़ देना चाहते थे। तालिबान के खौफ से अफगानिस्तानी भी किसी कीमत पर भाग जाना चाहते थे। आज भले ही तालिबान की चर्चा कम हो रही है लेकिन तालिबान खौफ में जीने वाले लोग आज भी अपने परिवारों को छोड़कर दूसरे देशों में गुजारा कर रहे हैं। कई अफगानिस्तानी सैनिक ऐसे हैं जो IMA में ट्रेनिंग लेने के लिए भारत आए थे और उसी दौरान अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया। इसके बाद वे अफगानिस्तान नहीं लौटे और यहीं पर वेटर जिम ट्रेनर की नौकरी करके अपना गुजारा कर रहे हैं। नीतीश कैबिनेट में विभाग का हुआ बंटवारा, सुनील नए शिक्षा मंत्री, किस मिनिस्टर को कौन सा मिला है विभाग, देख लीजिए पूरी लिस्ट। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट विस्तार के अगले दिन मंत्री परिषद के 30 मिनिस्टर के बीच मंत्रालय का बंटवारा कर दिया है। JDU के सुनील कुमार नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं जबकि डिप्टी CM सम्राट चौधरी के पास अब वित्त और वाणिज्य कर विभाग रहेगा। आपको बता दें कि दूसरे डिप्टी CM विजय सिन्हा को पथ निर्माण के अलावा खनन और कला संस्कृति व युवा मंत्रालय दिया गया है। बता दें कि SC ST विभाग के अलावा कुछ और मांग रहे संतोष सुमन मांझी को IT के साथ लघु जल संसाधन और आपदा प्रबंधन भी मिला है। वहीं मंत्री ब्रिजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे, उनके पास योजना एवं विकास विभाग भी रहेगा। प्रेम कुमार सहकारिता मंत्री के अलावा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग भी देखेंगे। श्रवण कुमार ग्रामीण विकास मंत्रालय ही बने रहेंगे। देखिए यहाँ पर पूरे मंत्रालय का यहाँ पर लिस्ट दिया गया है कि पूरे 30 मंत्री को कौन कौन से विभाग यहाँ पर सौंपे गए हैं। आप यहाँ पर एक एक करके सभी मंत्रियों की पूरी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। अगले 5 दिनों तक होगी झमाझम बारिश, बिजली कड़कने की भी चेतावनी हुई जारी। बता दें कि उत्तर भारत में इन दिनों गर्मी बढ़ने लगी है, अधिकतम तापमान लगातार बढ़ रहा है लेकिन कुछ इलाकों में अभी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दरअसल मौसम विभाग ने बताया है कि पूर्वी मध्य भारत में 16 से 20 मार्च यानी कि अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा आंधी तूफान और कई जगहों पर बिजली कड़कने की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि गंगेय पश्चिम बंगाल में 16 से 20 मार्च को तेज बारिश होगी। इसके अलावा 17 मार्च को ओले पड़ने का भी अलर्ट है। वहीं झारखंड, ओडिशा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में 17 से 20 मार्च को तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान और बारिश की संभावना है। वहीं विदर्भ के इलाके में भी 16 से 19 मार्च, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 17 से 19 मार्च को बारिश हो सकती है। इसके अलावा ओडिशा, छत्तीसगढ़ में 19 मार्च को भारी बारिश होगी। आज का सुविचार, आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे आपका जीवन उतना ही ज्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।